भाई भाई ये थाला फॉर अ रीजन मीम आपको पता है क्या है और ये क्यों है? और ये मुझे पता है बट आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट। आई डोंट नो इफ इट्स फनी। मैंने तो एक ही चीज बोला था यार कि ठीक है ये जो 50 लॉलीपॉप है ना, ये जो फ्लेवर है ये मुझे दे दे, उसको वही फ्लेवर चाहिए, बाकी 49 नहीं चाहिए। दो गलतियां जो सेम होती हैं उसके बीच का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा क्रिकेटर हो, चाहे आप बॉलर हो, चाहे आप बैट्समैन हो। भाई भाई आप कभी कभी मीम आता है आपके बारे में तो आप क्या करते हो? आप उसे आप नॉट इंटरेस्टेड कर देते हो? क्या करते हो? स्किप करके मैं दूसरे की मीम्स में चले जाता हूं। द ओनली थिंग आई नेवर अंडरस्टूड इज व्हेन यू पुट अ वीडियो ऑफ योर मोटरसाइकिल, व्हाई डू यू पुट अ बैकग्राउंड म्यूजिक? I would want to hear the exhaust of a motorcycle. वो तो यार अभी हर कोई मालिक बन के बैठा हुआ है, जिसको जो प्लेयर चाहिए, he is coming into auction, we will buy him, we should do this. Auction is like that. At the end of the day, he understood what is important is हम सब गलती करते हैं, but हम उस गलती से क्या सीखते हैं, that is the most important thing. और दो गलतियाँ जो सेम होती हैं उसके बीच का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा आप क्रिकेटर हो, चाहे आप बॉलर हो, चाहे आप बैट्समैन हो। एंड हाउ यू सेड ना, हाउ टू क्रिटिसाइज पीपल या हाउ टू टेल देम दैट व्हाट दे हैव डन इज रॉन्ग, आई ऑलवेज फेल्ट दैट इट शुडंट बी डीमीनिंग। अ लॉट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव विद द इंडिविजुअल एंड यू नो यू वांट टू से स्टफ दैट हेल्प्स द इंडिविजुअल बिकम बेटर। यू नो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड विद द क्रिकेट टीम और अस, यू नो हम एज हिंदुस्तानी, अगर आप बोर्ड रूम में किसी को कुछ बोल दो ना, उनको बहुत खराब लग जाता है। बट इमेजिन यू एंड हिम इन अ टॉयलेट, आप दो चार ग्रामर के साथ भी कुछ बोल दो ना, इट डजंट फील बैड। सो फ्रॉम द एसेंस ऑफ व्हाट यू हैव टोल्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन इट गोज, अच्छा मुझे ऐसा बोल दिया, अरे क्या बोला, सो ही हैजंट लिसन्ड टू व्हाट यू हैव सेड, इट जस्ट दैट यू नो मुझे खराब लग गया, सबके सामने बोल दिया। सो इफ यू नो द इंडिविजुअल यू नो व्हाट इज द बेस्ट वे to work with him or her and get the best out of it. At the end of the day, if you're leading people, you know you want to get the best out of them, whatever their level may be, you want them to improve, but at the same time get the best out of them. यहाँ पे ऑडियंस में जो बॉस है, yes, अगले दिन लोगों को डांट रहे हैं बाथरूम लेके जाके। फिर माई भाई ने कहा था कि लैट्रिन के सामने डांटना, और वो सिर्फ ग्रामर ही ग्रामर बोल रहे हैं। बाथरूम में ही जो ध्यान रखना, किसने किसको झापड़ मारा पता नहीं चलेगा, there is no evidence. Okay, you want to go? So your stump mic conversations are hilarious. जो ऋषभ पंत के साथ हुआ था was very very funny. तो किसके साथ सबसे ज़्यादा banter है team में? It's not targeted banter. You know जो भी उस समय जो कुछ कर रहा होता है, depending on that, you know you try to say whatever. It turns out to be funny. ऐसे डालना है तो रख ले. हाँ, so stuff like that, you know. इससे girlfriend नहीं है वहाँ। एक चक्कर खा के दिखा। That is generally for people. जैसे क्रिकेट में क्या होता है ना, हमारा almost 80% of cricket happens right in the middle. तो स्पेशली जो फील्डर्स बाउंड्री पे होते हैं या 30 यार्ड पे होते हैं ना, I've never understood what they look behind in the crowd. तो पहले तो 30,000 40,000 लोग हैं, you cannot identify anyone from that distance. आपका एक कैप्टन होता है, एक बॉलर होता है, तो जनरली ऑन द फील्ड दीज आर द टू पीपल हु आर इन चार्ज। अगर कैप्टन विकेट कीपर है तो आसान है, नहीं तो 3 इंचार्ज हो जाते हैं। अगर एक कैप्टन हुआ, एक विकेट कीपर होगा, एक बॉलर, इन द सेंस हो सकता है बॉलर को कहीं पे कुछ स्पेसिफिक चेंजेस चाहिए फील्ड में, तो वो आपको ट्राई टू टेक योर अटेंशन। बट अगर कीपर और बॉलर है तो और आसान है। बट आई नेवर अंडरस्टूड, दे आर ऑलवेज लुक द अदर वे। सो दैट्स अ टाइम व्हेन यू से कि उधर कौन है भाई, हमें भी बता दो। You know, I'm not able to see who's there. कुल्लू की एक बहुत बढ़िया स्टोरी थी, मिसबा-उल-हक ने जो स्टोरी बताई थी। हाँ। प्लीज आप ऑडियंस को बताना, माई भाई को सवाल पूछ लेना। तो मिसबा-उल-हक ने स्टोरी सुनाई थी कि आप शायद इंडिया ए या अंडर 19 में पाकिस्तान गए थे और आपने उनको बहुत रन मारे थे, बहुत ज्यादा रन मारे थे, और उनने अपनी टीम को जो है बताया होता कि ये प्लेयर आ रहा है, इसको जरा ध्यान से खेलना। फिर आप जब नेशनल साइड में आए तो पहले मैच में जब आप कम रन पे आउट हुए तो जिन लोगों ने आपके बारे में खौफ फैलाया था उनको बहुत ट्रोल करते थे वो लोग कि ये तुम किसके बारे में बोल रहे थे। फिर आपने तीसरे मैच में जब 150 बनाया तो फिर वो लोग वापस ट्रोल करने लगे थे। तो आपको कुछ स्टोरी याद है उसकी, जब आप फर्स्ट टाइम वो स्टोरी? ने मैंने इंस्टा पे देखा था वो, सो दे सेड कि ये मारता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। तो मैं बांग्लादेश सीरीज में आई हैड एंड स्कोर्ड, उसके बाद वापस जब वो बैठे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, आई गॉट माई फर्स्ट सेंचुरी, सो दे सेड कि ऐसा मारता है। नहीं तो आप जब अगली साइड में गए थे अंडर 19 इंडिया ए में गए थे, तब का कुछ आपको याद है कि आपने जो इतना? सो हम लोग कीनिया गए हुए थे, सो इट वाज अ ट्विन टूर, जिम्बाब्वे और कीनिया का टूर था। तो कीनिया में इंडिया ए थी, पाकिस्तान ए एंड कीनिया की टीम थी। सो दैट वाज द टूर एंड आई गॉट अ चांस टू ओपन। You know, Dinesh was also part of the team. Dinesh Karthik, he got selected for the Indian cricket team. So वो चला गया and then I got an opportunity to play for India and I was batting top of the order. You know, open में कर रहा था, one down खेल रहा था. So I got an opportunity and you know it was a lot of fun. The condition was slightly challenging, but also when you get a chance like that, you want to make the most of it. You know, and Pakistan was a good side. You know, Kenya की उनकी जो top international side थी, that was playing, but पाकिस्तान की ए टीम थी। सो लॉट ऑफ क्रिकेटर्स हु प्लेड विद मी लेटर ऑन, यू नो, दे वर आल्सो पार्ट ऑफ द स्क्वाड। सो इट वाज फन एज आई वुड से, बट एट द सेम टाइम यू नो आफ्टर दैट टूर्नामेंट आई वाज श्योर दैट आई विल गेट अ चांस टू प्ले फॉर इंडिया। अब 3 महीने के बाद चांस मिले, 10 महीने के बाद चांस मिले, बट आई न्यू दैट आई विल गेट अ चांस टू प्ले फॉर इंडिया। सो दैट वाज अ ब्रेक थ्रू टूर फॉर मी। अब वो बोल रहे थे गेंद वापस ही नहीं आती जब आप इसमें से ग्राउंड बहुत बड़ा था यार। इसमें से मैंने ये पिकअप किया कि माही भाई रील्स दिखते हैं। माही भाई, आप कभी कभी मीम आता है आपके बारे में, तो आप क्या करते हो? आप उसे आप नॉट इंटरेस्टेड कर देते हो, क्या करते हो? स्किप करके मैं दूसरे की मीम्स में चले जाता हूं। अपने बारे में क्यों देखना यार, जब पता है कि कुछ आने वाला है। व्हाई डू यू वांट टू सी इट एंड आई एम नॉट समबडी हू गेट्स इनटू द कमेंट सेक्शन एंड रीड कमेंट्स एंड ऑल। सो अगर आपको कुछ पोस्ट करना है, आपने पोस्ट किया, बस दैट्स इट। डोंट स्टार्ट गेटिंग इनटू द कमेंट सेक्शन एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज द पीपल सिटिंग यू नो टू हैव फन at whose expense, they don't really care, so they may say something you know that is not so nice about you. So the best thing to do is use it for what it is, and I feel that's what I do. So what do you use it for? So mostly you know, I'll complain about also one thing. So you know I love, I'm a motorhead, so I love cars and motorcycles more than cars. So you get a glimpse into everybody's life. So whoever has a motorcycle, you know, they love to clean it up and they'll put a video. The only thing I never understood is when you put a video of your motorcycle, why do you put a background music? I would want to hear the exhaust of a motorcycle, you know, the revving of a motorcycle. And imagine there's an old Kishore Kumar happening and it's a motorcycle and I am like, okay, I want to see this. You switch the volume on and then you realize, you know, there's no exhaust note here, something else. But yeah, you know, to keep a track, ab to Instagram thoda news channel ki tarah bhi ho gaya, but you cannot trust everything. They'll put a picture and they'll write something and you know, acha aisa bhi hota hai, but you know you have to go back and check with the news channel as to what really is happening. Abhi to auctions ke time pata nahi kaun kaun kahan ja raha hai Instagram ke hisab se nahi. Acha wo to yaar abhi har koi malik ban ke baitha hua hai, you know, jisko jo player chahiye, you know, he is coming into auction, we will buy him, we should do this. Auction is like that, you know, nobody knows, like once people come into the auction, you don't know where you're going. And the best part is the fans, they are always like, ye auction mein aa raha hai, ab ye is team pe jayega. You are into the market, you know, whoever has the money to buy you, you know, they'll get you and you'll have to play for them. So that's the beauty of auction, you know. It's not a trade that you know ki a player is getting traded to b franchise. You can go anywhere. Auction is 7 letters. Thala for a reason. Aapko bhai ye thala for a reason meme आपको पता है क्या है और ये क्यों है? और ये मुझे पता है, बट आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट। आई डोंट नो इफ इट्स फनी और इट इज सपोज टू पुल माय लेग और इट्स अ बैंटर, इट्स अ मेम, व्हाटएवर इट इज, बट आई थिंक माय फैंस हैव टर्न्ड इट इनटू समथिंग दैट्स इन माय फेवर, यू नो, दैट्स व्हाट आई फील। करेक्ट, एंड आई हैव गॉट ब्रिलियंट फैंस, दैट्स व्हाट आई वुड से, यू नो, आई डोंट नीड टू ओपन माय माउथ और से एनीथिंग, यू नो, दे आर द वंस, इफ दे फील समबडी हैज बीन नास्टी टू मी, दे टेक केयर ऑफ इट. सो आई एम जस्ट कीपिंग क्वाइट, आई एंजॉय माय लाइफ, I try to play good cricket and that's what it is for me.